देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। क्या कांग्रेस को अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस मिलता था? इसके लिए इस प्रकार की मुलाकातें होती थी कि अंडरवर्ल्ड के फाइनेंस के भरोसे चुनाव जीते जाते थे? या मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस को मसल पावर की आवश्यकता उस जमाने में थी, इसलिए इस प्रकार की मुलाकातें उस समय हुआ करती थी? या मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से संजय राउत ने खुलासा किया है, उसमें वो ये कहते हैं कि उस समय कांग्रेस के राज में मुंबई और महाराष्ट्र ये दाऊद और छोटा शकील चलाते थे, क्या ये सच है? इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी ने करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के ज़माने में 1960 से 1980 तक कांग्रेस के ज़माने में मुंबई के सीपी की अपॉइंटमेंट, मुंबई पुलिस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट अंडरवर्ल्ड करता था। क्या कांग्रेस को ये बात मान्य है? क्या ये बात सही है? क्या इंदिरा जी करीम लाला को मिलने आती थी और उसके बाद इस प्रकार के फैसले होते थे? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। ये भी कहा गया कि करीम लाला मंत्रालय में आते थे उस जमाने में तो सेलिब्रिटी की तरह आते थे, उनको देखने के लिए लोग आते थे। क्या ये बात सही है? क्या कांग्रेस को ये मान्य है? क्या सोनिया जी को ये मान्य है कि उनके ज़माने में इस प्रकार की परिस्थिति थी? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की शुरुआत क्या उस समय से हुई थी और इसको कांग्रेस के आला नेताओं का आशीर्वाद था, क्या ये ऐसा समझा जाए? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से कि इंदिरा जी के बारे में इस प्रकार की जो बयानबाजी हुई है, इस प्रकार से जो खुलासा किया गया है, इस प्रकार की जो बातें कही गई है, क्या उसके ऊपर उनकी कोई टिप्पणी है या वो भी इसको मान्य करते? और मैं उनको और कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जिनके साथ सरकार चला रहे हो, उनके सबसे आला नेताओं में से एक नेता इस प्रकार का खुलासा करते हैं, इस प्रकार की बातें कहते हैं और उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी मौन है, कांग्रेस पार्टी रिएक्ट नहीं कर पा रही है, क्या सत्ता से समझौता इस प्रकार से कांग्रेस को दुर्बल बना रहा है कि अब उनके शीर्षस्थ नेता श्रीमती इंदिरा जी पर इस प्रकार के आरोप लगने के बाद सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर कोई बयान भी नहीं दे पा रही है? लेकिन हमारे मन में इंदिरा जी हो, पंडित जी हो, राजीव गांधी हो, इस सभी हमारे जो नेता थे हमेशा आदर और प्रेम रहा और रहेगा, चाहे कोई भी वक्तव्य को मोड़ तोड़ कर दिखाइए। खास करके कांग्रेस के नेताओं को पता चलना चाहिए, जब इंदिरा जी के ऊपर टीका टिप्पणी होती थी, अभी भी तब कांग्रेस वाले चुप बैठे, लेकिन मैंने हमेशा इंदिरा जी के साथ, पंडित जी की बात मैंने कही है, राजू जी की बात मैंने कही है, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। सोच समझ कर ये हमारे जो नेता है उसके बारे में बात करें। करीम लाला को अपराधी तो मानती है ना शिवसेना? अपराधी तो थी। छोड़ दीजिए, एक आपके यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन लोगों बैठे, मैंने बताया ना, करीम लाला पख्तून हिंद संगठन का अध्यक्ष था और सब लोग पठानों के समस्या के बारे में वो लोग मिलते थे। उस वक्त खान अब्दुल गफार खान जो थे, अब नहीं है, जिसे हम सरहद गांधी कहते थे, अफगानिस्तान और पेशावर में उनका काम रहा, वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे। उस बहाने सब नेता उस वक्त खान अब्दुल गफार करीम लाला जी के साथ काम करते।